स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखें क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं, दोनों ब्रैकेट की फॉर्म में है, दरमियान में कुछ नहीं, इसका मतलब है ये आपस में दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। पहले -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, पहले ये 7 फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 7 सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -7 इंटू 2i। फर्स्ट वैल्यू दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, अब सेकंड वैल्यू लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 3i -3, अब सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 3i एंड 2i। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, 3 7 20 1, 7 2 का 14, माइनस का साइन लगेगा 14i, प्लस 3 3 का 9, 7 माइनस का साइन लगेगा iota, प्लस 3 2 का 6, iota को iota से मल्टीप्लाई करेंगे तो iota स्केयर हो जाएगा, 21 माइनस 14 iota, ये आ गया माइनस 9 iota, 6 cos iota स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के, 21 माइनस, अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 14 में 9 प्लस करें तो क्या आ जाएगा, 23 iota माइनस 6, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी, माइनस 23 iota, 16 में 21 में से 6 माइनस करें तो बाकी 15 माइनस 23 iota आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसका आंसर हम टैली करते हैं, 2.6, 15 माइनस 23 iota हमारा आंसर आ गया। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर वन, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू में है 2 माइनस अंडर रूट माइनस 4 और 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट माइनस 4। ये स्टूडेंट्स ये देखें ये वैल्यू कैसी है, इसमें हमारे पास अंडर रूट में माइनस फोर के साथ माइनस लगा हुआ है, तो हमने पढ़ा था माइनस 1 किसके इक्वल होता है, iota के इक्वल होता है। आपने ये बात याद रखनी है कि माइनस 1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है, iota के, और अगर इधर देखा जाए तो यही वैल्यू बन रही है 2 माइनस अंडर रूट माइनस 1 और अंडर रूट 4, इधर भी 3 माइनस अंडर रूट माइनस 1 और अंडर रूट 4, ये वैल्यू बन रही है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, iota अंडर रूट माइनस 1 जो है वो iota के इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 अंडर रूट iota के इक्वल हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है 2 के, माइनस 1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है iota के। अब ये सिंपल वैल्यू बन गई, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 का 6, 2 2 का 4 iota, 6 iota एंड प्लस 4 iota स्केयर, डायरेक्ट किया मैंने, अंडरस्टैंड हो चुके हैं आपको, माइनस और माइनस 10 iota प्लस 4 माइनस 1 आ जाएगा 6 माइनस 10 iota माइनस 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे बाकी आ जाएगा 2 माइनस 10 iota, ये आ गया हमारा आंसर। इसका आंसर हम देते हैं 2 माइनस 10 iota। अब आ जाएं हम क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट नंबर थ्री पे। पार्ट नंबर थ्री में है हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस 3 iota होल का स्केयर। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप दो तरह से कर सकते हैं, एक आप ये देखिए हमारे पास फार्मूला बन रहा है जो आप पढ़ा हुआ है आपने, a माइनस बी के होल का स्केयर, a का स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर, और एक आप ये कर सकते हैं a माइनस बी, ये हमारे पास टू फार्मूलाज हैं और इन दोनों फार्मूलों में से आप जिस मर्जी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है जी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने यही राय दी है कि इससे करें, तो हम इसी से करते हैं कि अंडर रूट फाइव
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी करते आ रहे हैं, जो आपने पहले दो क्वेश्चन किए हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह के ही हैं। जी ये क्या किया हमने, इसको a माइनस बी किस पे इक्वल होता है, a माइनस बी होल का स्केयर, यानी कि इस वैल्यू को हम दो दफ़ा लिखें तो इसका स्केयर बन जाता है। सेम इस तरह के क्वेश्चन हम पहले करते आ रहे हैं, हमने वही किए हैं कि a को फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट और फिर फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर बन जाएगा, फिर सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको आप पहले इस तरह लिख लें √5 × √5, फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर √5 × −3 iota, उसके बाद ये वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। अब इस वैल्यू ने इससे मल्टीप्लाई होना है −3 iota × √5 एंड +−3 iota × −3 iota। जी स्टूडेंट्स ये देखें, ब्रैकेट्स के अंदर हमने प्लस या माइनस लिखा है, बाकी हमारा सारा जगह पे बाहर प्लस आ रहा है, क्योंकि साइन जिस वैल्यू के साथ आएगा वो वैल्यू जब ब्रैकेट में जाएगी तो उसके साथ माइनस लिखा जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 का स्केयर आ गया, प्लस इनको अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा −3 √5 iota, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा −3 √5 iota, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 3 = 9 iota स्केयर आ जाएगा। √2 से कट गया, आंसर आ गया 5 −3 √5 iota −3 √5 iota +9 iota स्केयर किसके इक्वल होता है −1 के बराबर आ गया हमारे पास। 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि वैल्यू प्लस आएगी, साइन माइनस होगा, 3 का 3 प्लस करें तो 6 √5 iota, क्योंकि वैल्यू हमारे पास बाकी की सेम थी, −9। अब 9 में से 5 माइनस करेंगे, पहले एक तरफ कर ले वैल्यू, 5 − 9 − 6 √5 iota, 9 में से 5 माइनस करें बाकी आ जाएगा −4 − 6 √5 iota, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। जी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें आप, होपफुली कि ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, −4 − 6 √5 iota हमारा आंसर आ गया। अब इसका हमारे पास एक लास्ट पार्ट आ गया, लास्ट पार्ट में है 2 − 3 iota × 2 − 3 iota